शाबाश, वेरी गुड। सब्जी वापस कितना मिलेगा? वेरी गुड, शाबाश। अच्छा मसरूर, मुझे बोलो आप, हमको कितने सेंसेस है? फाइव। कौन कौन से? नोज। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। और शाबाश शाबाश। और टांग से क्या करते हैं? टांग से क्या करते हैं? टांग से। शाबाश, वेरी गुड। जरूर तो ये क्या है? शेप ना? ये कौन सी शेप है? ये वाली सर्कल। किसको कहते हैं? शाबाश। जरा मुझे कोई एग्जांपल बोलो। पायलट। शाबाश। ये कौन सी शेप है? स्क्वायर। किसको कहते हैं? शाबाश, वेरी गुड। ये कौन सी शेप है? शाबाश। ये ट्रायंगल किसको कहते हैं? वेरी गुड। ये कौन सा मुझे बोलो? आइसक्रीम। शाबाश। ये रेक्टेंगल को एग्जांपल बोलो। मोबाइल, वेरी गुड। आईडी बच्चे, यानी ये वो बच्चे थे जो किसी से काम नहीं है, ये वो सब कुछ कर पाते हैं जो एक नॉन डिसेबल बच्चा कर पाता है। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी, मैं आपने आपको बहुत ही लकी समझ रही हूँ कि मुझे उन बच्चों के साथ काम करने का मौका मिला। और मैं अपने रब से यही दुआ करती हूँ कि मुझे इस काबिल बनाए, मुझमें इतनी सलाहियत पैदा करे कि मैं उन बच्चों को किसी काबिल बनाऊँ। तो आपने देखा कि हमें लगता है कि ये शेप की ज़रूरत है, कलर हम इसको इग्नोर करते आ रहे थे। ये तो छोटी बात है, हमें पता है, लेकिन इन बच्चों को चार चार साल लगे, पांच पांच साल लगे ये ओवरकम करने में, ये चीज़ें याद रखने में। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल करो कि अगर हम इनकी जगह होते। ऑलवेज यू हर्ड हेयर ए वर्ड सिंपैथी, ऑलवेज यू हेयर अ वर्ड एम्पैथी। सिंपैथी यही होता है कि हम हमने जावेद को देखा, ये लीचर पे है, 200 रुपये निकाले आपको देंगे। ईद के दिन देखा, 500 दिए, तो ये इसको बोलते हैं सिंपैथी। लेकिन सिंपैथी से इंसान भिखारी बन जाता है। हमें भिखारी बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें फिर हम दूसरे अल्फाज में अगर किसी को बोलते हैं कि आप डिसेबिलिटी को किस चीज़ से सिनोनिमस करते हो, कोई बोलता है अनेबल, ये काम नहीं कर पाए, कोई बोलता है बेगर, ये वीक मानता है, लेकिन इसका सिनोनिमस होना चाहिए ही इस कैपेबल, इसके साथ कैपेसिटी जुड़ी है। तो इसके अलावा भी हमारे स्कूल में ब्लाइंड बच्चे हैं, हमारे पास हम उनको ब्रेल सिखाते हैं, लेकिन इस साल शुक्र है अल्लाह ताला के, जो हमारे पास 7 ब्लाइंड थे, वो उन्होंने सभी ने 8वीं का एग्ज़ाम पास किया, क्योंकि हमारा स्कूल 8वीं तक है, अब वो बाकी स्कूल में पढ़ने के। इसी साल हमारे 2-3 बच्चों का एडमिशन हुआ, अभी वो छोटे हैं, 4-5 साल के हैं, 6 साल का कोई है। वी हैव स्टार्टेड विद देम, हमने उनको लाने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि हमने आज उन्हीं बच्चों को लाया जिन्होंने कुछ सीखा है। कोई 1 साल से पढ़ रहा है, कोई
चार साल से पढ़ रहा है, दो साल से पढ़ रहा है। इसका मकसद यही था कि हम आपको शक्ल का दूसरा मंजर दिखाए। कभी कभी हम एक ही शक्ल से देखते हैं कि डिसेबल है तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो इसको समझो कि हमें एम्पैथेटिक होना चाहिए। सिंपैथी तो मैंने आपको बोला कि आप पैसे निकालोगे, कपड़े अपने दोगे, डोनेट करोगे कुछ, या कुछ ऐसा मदद करोगे। एम्पैथी का मतलब है कि यही दो मिनट सोचो, अगर मैं इसकी जगह होता क्या समाज के एक्सेप्ट कर लेता। दो मिनट ये सोचो कि अगर मेरे पास ये ब्रेन मेमोरी नहीं होती तो मैं क्या करता, इस दुनिया में क्या करता। तो इस बारे में बहुत सारे दलाइल भी हैं हमारे कुरान शरीफ में, क्योंकि वी आर मुस्लिम्स एंड वी हैव फुल फेथ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुरान मजीद है कि हमें लाइफ किस तरह से जीनी है। उसमें सूरह अब्बसा वाताला नाजिल हुआ, तो क्या आपको सूरह अब्बसा वाताला के बारे में पता है? जिसको पता है प्लीज आप उठिए और दो मिनट हमें बताइए सूरह अब्बसा के बारे में। कोई भी स्टूडेंट जो बोलना चाहता है, अगर नहीं पता है तो फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि हमें टाइम जाया नहीं करना चाहिए। तो सूरह अब्बसा है आपका प्रॉपर मुस्लिम के पास, तो आप बता सकते हैं। एक मेरा शख्स है हमारे प्रॉपर के पास, सर यहां पे आइए। नहीं, ये स्टूडेंट से समझ सकते हैं।